50 से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। नल का दूसरा टंकी कैसे लगेगा? या बिहार में 1% ऐसे पंचायत भी है जहां पे अभी तक नल का काम नहीं हुआ है, तो उसका एस्टीमेट कैसे बनेगा है? यानी कि अगर रिपेयरिंग होगा तो कैसे करवाना है, या अगर अभी तक नल जल नहीं लगाया है तो उसका एस्टीमेट कैसे बनवाना है? दूसरा का नल जल लगवाइएगा, उसका एस्टीमेट कैसे बनवा देंगे, और उसके बाद वो एस्टीमेट बना करके फिर क्या करेंगे, आपको देंगे, और यह एस्टीमेट के बाद क्या होना चाहिए, तो आप अपने पंचायत सचिव जी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे कि नल जल के ऊपर में, यानी कि नल जल का दूसरा टंकी कैसे लगेगा, या बिहार में 1% ऐसे पंचायत भी है जहां पे अभी तक नल का काम नहीं हुआ है, तो उसका एस्टीमेट कैसे बनेगा, और दूसरा टंकी भी आपको लगवाना है ना, तो उसका क्या नियम है, क्या रूल है, वो भी हम आपको बताएंगे, और उसका एस्टीमेट आपको ऐसे बनवाइएगा। उसके बाद हम आपको बात करेंगे कि काम किनसे करवाना है, यानी कि काम जो है किनसे करवाना है, यानी कि ठेकेदारी प्रथा से या खुद से, इन सारी योजनाओं पे, यानी कि दूसरा का नल जल कैसे लगवाना है, यानी कि अगर रिपेयरिंग होगा तो कैसे करवाना है, या अगर अभी तक नल जल नहीं लगाया है तो उसका एस्टीमेट कैसे बनवाना है, दूसर का नल जल लगवाइएगा, उसका एस्टीमेट कैसे बनवाना है, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। देखिए, जो सबसे पहले यानी कि दूसर का टंकी कैसे लगेगा उस पर हम बात करेंगे, उसके बाद नया टंकी कैसे लगवाना है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, दूसर का टंकी कब लगेगा और कैसे लगेगा, तो जान लीजिए, अगर आपके वार्ड में अगर कुछ लोगों का पानी बच गया हुआ है, जैसे 50 से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, अगर इसकी दूरी ज़्यादा है, यानी कि दूरी ज़्यादा है और 50 से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, अगर बगल के कोई दूसरे वार्ड से अगर आपने कनेक्ट नहीं करवाया हुआ है ना, तो जान लीजिए उस जगह पे जो है ना, आपको अनटाइड मत से जो पैसा आया है पंचायत में ना, उस पैसे का खर्च करके वहाँ ग्राम सभा की मीटिंग बुला करके, और उस पैसे का मुखिया जी आपको खर्च करने के लिए दे सकते हैं 7 निश्चय योजना के तहत। और उसके बाद हम आपको बात करेंगे कि यह टंकी कब, तो 50 से प्लस लोगों का होना चाहिए। अब जान लीजिए, जैसे अब इस नल जल का एस्टीमेट बनेगा वैसा ही, यानी कि जो पहला नल जल लगवाना है उसका भी एस्टीमेट बनेगा, लेकिन इसमें एक ही चीज बढ़ जाएगा कि उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो यह नल जल लगवाने से पहले, दूसरा टंकी लगवाने से पहले एगो पहले ग्राम सभा करना पड़ेगा, जिसमें यह बातों को स्पष्ट कर देना पड़ेगा कि यहां पर 50 से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और यह पुराने टंकी से, पिछलके टंकी से दूरी अधिक होने के कारण यहां के घरों में साफ पानी नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार सरकार का यह योजना है जिसमें कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है A to Z घर में नल देना है, इसीलिए यहां पर दूसरे टंकी लगाने का प्रावधान किया जाए। यह बात का लेटर जो है ना, आप अपने वार्ड सदस्य वीडियो के सामने देंगे, पंचायत सचिव के सामने देंगे, मुखिया जी के सामने देंगे, और उसके बाद जो है ना, अगर उनके साथ से उनसे अगर अप्रूव आ गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने यहां के दूरी को माप लीजिए, दूरी को या तो आप खुद से माप लीजिए, और नहीं तो दूरी मापने के लिए आपके यहाँ क्या चीज़ आएंगे, JE साहब आएंगे, या जान लीजिए दूरी मापने के लिए JE साहब आएंगे, ठीक है, JE साहब आएंगे और वहाँ के A to Z दूरी मापेंगे कि कितना दूर जो है ना, यानी कि मोटा पाइप बिछेगा, कितना दूर पतला पाइप बिछेगा, यह सारी चीज़ों का यह नब्बा दीजिए, और उसके बाद जो है ना, आप एक क्या कीजिए, ग्राम सभा और कर लीजिए, यानी कि नल जल या सुदूर तरीके से बैठाने के लिए। और उसके बाद यह कहां पे क्यों ग्राम सभा कीजिएगा, तो क्योंकि टंकी अब कहां बैठेगा, तो पूरा ग्राम सभा के माध्यम से ही टंकी बैठवाइएगा, यानी कि ग्राम सभा, ग्राम के लोग कहां बोल देंगे वहीं पर टंकी बैठवाइएगा, इस चीजों को जान लीजिए। और उसके बाद यह जब टंकी का बात हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, उसका एक चार्ट यानी कि बना करके देंगे वही JE साहब, उस पर आपको सिग्नेचर होगा, उसके बाद JE साहब लेकर के उस सारी चीजों को नाप तोल जोख करके लेकर के जाएंगे, और BDO साहब से आपको प्रशासनिक बनवा देंगे, और उसके बाद वो एस्टीमेट बना करके फिर क्या करेंगे, आपको देंगे, और यह एस्टीमेट के बाद क्या होना चाहिए, तो आप अपने पंचायत सचिव जी से, पंचायत सचिव जी और मुखिया जी से मिलिएगा कि यह पैसा में से आप हमें दीजिए, ताकि हम क्या कर सके, नल जल लगवा सके लोगों के पानी पीने के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब यह सब चीज़ हो जाए तो आपको यानी कि काम स्टार्ट कर देना है, लेकिन सबसे पहले पैसा ले लेना है, पैसा खाता पे मंगवा लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सदस्यों का कहना आया है कि सर जो है ना, BDO साहब बोल रहे हैं, सॉरी मुखिया जी या पंचायत सचिव जी बोल रहे हैं क्या चीज़ की, पहले काम करवा लीजिए, अपना पैसा लगा करके काम करवा लीजिए। और जान लीजिए, जब अपना पैसा लगा करके आप काम करवा लीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, आपको यह मैटर फंस जाएगा, यह मामला को उलझा देंगे किसी भी प्रकार से, या तो
वीडियो साहब उलझाएं या आपको जेई साहब उलझाएं, चाहे पंचायत सचिव जी उलझा देता है, मुखिया जी उलझा दे, और उसके बाद नल जल का काम करवाइएगा। लेकिन इस प्रकार से अगर किसी भी सदस्य का अगर कोई परेशानी हुआ हो, अगर होने वाला है, तो आप जान लीजिए, आप हमारे YouTube पर कमेंट कीजिएगा कि किस प्रकार की आपको परेशानी आए, उससे संबंधित आपको हम जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल शाम, यानी कि कल शाम हम अपने दूसरे YouTube चैनल जो हमारा है, जो आपको होम स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि बलराम कुमार 1M, ठीक है, बलराम कुमार 1M, उस पर हम कल शाम 6 बजे हम लाइव आने जा रहे हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखेगा, ठीक है। आप उस पर जा करके उस चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर के, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, ये व्हाट्सएप नंबर पे भी हम आपको क्या चीज़ कर दिए हुए हैं, यानी कि हम अपना लिंक भेज दिए हुए हैं, आप उस पर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे दूसरे चैनल से। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।